नमस्कार प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में भारत की पहचान है यहाँ की कला, संस्कृति और परंपराओं के कारण। लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में, कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में और आधुनिकता के नाम पर हम इन सबको भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो इसकी सेवा में लगी हुई हैं, इनको जीवित रखे हुए हैं और इन्हें समृद्धि प्रदान कर रही हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति की पहचान है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के कारण। आज हम प्लस माइनस कार्यक्रम में एक ऐसी ही हस्ती से आपको मिलवाएंगे जो नृत्यांगना भी हैं और साथ साथ कोरियोग्राफर भी हैं, गुरु भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हम बात करें डॉक्टर सोनल मानसिंह की, जिन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और पिछले साल उन्हें राज्यसभा में मनोनीत भी किया गया। उनसे हम मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के सफ़र पर। 30 अप्रैल 1942 को ब्रिटिश इंडिया की मुंबई प्रेसिडेंसी में पैदा हुई मशहूर नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह गुजरात के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। संपन्न और स्वतंत्र ख्याल वाले परिवार में पैदा हुई डॉक्टर सोनल को वैसे तो कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं गया, लेकिन बात जब नृत्य को करियर बनाने की आई तो उन्हें भी परिवार का विरोध झेलना पड़ा। 18 साल की उम्र में भरतनाट्यम के प्रति उनकी दीवानगी ने उन्हें घर छोड़ने पर विवश कर दिया। परिवार की इच्छा के विपरीत डॉक्टर सोनल मुंबई से अकेली बेंगलोर पहुंची, अपने गुरु यूएस कृष्णा राव और चंद्रभाग देवी के पास। यहीं से डॉक्टर सोनल भरतनाट्यम में पारंगत हुई। डॉक्टर सोनल ने भारतीय विद्या भवन से संस्कृत में प्रवीण और कोविद की डिग्री लेने के साथ साथ मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से जर्मन साहित्य में भी ऑनर्स की उपाधि हासिल की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विदेश में पहचान दिलाने के लिए 1977 में इन्होंने सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस की स्थापना की। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति इसी समर्पण ने इनकी झोली में सम्मानों की छड़ी लगा दी। 1987 संगीत नाटक कला अकादमी अवार्ड, 1992 पद्म भूषण, 2003 पद्म विभूषण से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त करने वाली डॉक्टर सोनल मानसिंह को पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च सदन के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के नवरत्न में शामिल कर सम्मानित किया था। भरतनाट्यम और ओडिसी के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सभी परंपराओं को सम्मान और पहचान दिलाने वाली दीवा डॉक्टर सोनल मानसिंह ने हमारे विशेष कार्यक्रम प्लस माइनस में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता से बेबाक बातचीत की और विशेष नृत्य भंगिमाओं के जरिए भी प्रश्नों के जवाब दिए। सोनल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं, आपके दादाजी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था, पूरी तरह से संपन्न परिवार था, फिर भी आपने एक ऐसी साधना को चुना, एक ऐसी डगर को चुना जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस समय में तो नृत्य को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से देखा भी नहीं जाता था, आपने ये नृत्य का क्षेत्र क्यों चुना? आपकी बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। वो परिवेश जो था वो नृत्य के अनुरूप नहीं था, लेकिन था भी, क्योंकि पहले तो मैं कहूँगी कि मैंने नृत्य को नहीं चुना, नृत्य ने मुझे चुना। बहुत बढ़िया। नृत्य की देवी ने मुझे माध्यम बनाया, जिसकी बात आगे अपन करेंगे, बताना चाहूँगी। लेकिन हम गुजराती हैं तो उसमें नृत्य संगीत सीखो लेकिन वो भी करो। तो हमने कई बार कहा है, मैंने कहा है कि वो ही करो और वो भी करो, ये भी और ही का फ़र्क है। तो मैंने बीए भी किया, जर्मन लिटरेचर से, साहित्य से बीए ऑनर्स किया। ये करो वो करो, नृत्य भी करो आगे। तो मेरे मुंह से निकला गुजराती में कि मुझे तो यही करना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि परिवार का उस वक्त जो संकट बना कि भाई हमारे उसमें परिप्रेक्ष्य में नृत्य ही करना नहीं होगा, तो मैं घर से भाग गई। अच्छा। बम्बई में हमारा, तो हम भाग गए और वहाँ पे बंगलोर में मेरे गुरु भरतनाट्यम के ट्रेन में बैठ के अकेली वहाँ पहुँची। 18.5 वर्ष की उम्र थी। अच्छा जी। लेकिन आपने नृत्य 7 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था सीखना।
आज भी सीख रही हूँ। अच्छा, आज भी आप अपने आप को विद्यार्थी मानती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। 100% सीखने की कोई उम्र नहीं होती? नहीं होती, पूरी उम्र होती है। और भारतीय नृत्य का जो विराट स्वरूप है ना, जिसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, शिल्प कला, स्थापत्य कला, सब चित्रकला सब मिला हुआ है, और उसका जो आत्मा है वो है भारतीय दर्शन। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे और 7 जन्म भी भारत की भूमि में हों, तब शायद मुझे कुछ झलक मिले। बहुत सुंदर विचार है आपके। आप भारतीय संस्कृति की, यहाँ की परंपराओं की, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ध्वजवाहक हैं। पूरे दुनिया भर में आप यहाँ की संस्कृति को फैला रही हैं। 90 से ज़्यादा देशों में आपके प्रोग्राम हो चुके, कितने भी होंगे शायद आपकी, आपने भी कभी उसकी गिनती नहीं की होगी। जब आप विदेशों में जाते हैं तो यहाँ की संस्कृति के बारे में लोगों का क्या विचार रहता है? अच्छा है, क्या क्या बताएं, तो डुसेलडॉर्फ वगैरह, तो लोगों ने वर्षों तक मुझे याद रखा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था कभी। अच्छा। और इतने प्रभावित हो रहे थे। तो एक मैं उदाहरण ये दे रही हूँ कि भारतीय जो असली हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और यदि जानकारी कुछ अमेरिका में बनी तो हिंदू यानी 3 O लगा के, यानी जो ओरिएंटल डांसिंग, स्नेक चार्मर का, पतंग उड़ाने का, वो उसके साथ जोड़ रहे थे। अच्छा, ये जो आप भारतीय नाट्य जो हमारा है शास्त्रीय नाट्य, इसकी आप ध्वजवाहक है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको रियलिटी शो अच्छे लगते हैं, जो इस तरह के डांसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी ये संस्कृति डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर जा रही है? मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि यदि ये होता ऐसा तो आज नृत्य लगभग ख़त्म हो गया होता। हज़ारों नए डांसर्स आ रहे हैं उभर के, उसमें खास करके यंग मैन, पुरुष, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, कथकली हो, ओडिसी हो, पुरुष नृत्यकार इतने आगे आ रहे हैं। तो ये एक तरफ से बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका एक चार्म, उसका ग्लैमर अलग है। आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि रियलिटी शोज़, और उससे साथ जुड़ा हुआ है मेरा एक नॉट प्रश्न बट एक मेरा आक्रोश, एक उद्वेग कि आपकी 200-250-300 लगभग टीवी चैनल्स होंगी, पता नहीं 800 चैनल हैं जी। हाँ जी, 800 चैनल हैं, हे भगवान बचाओ। लेकिन उसमें शायद आपकी और डीडी भारती या ऐसे कुछ 4-5 आप बताइए और कौन है, उनको छोड़ के कहीं भारतीय संस्कृति, कला, विद्याओं के बारे में कुछ है क्या? है नहीं है। तो ये एक बहुत ही खेद का विषय है। टीवी की पहुंच कितनी है ना, कमानी भले पूरा भर जाए तभी 1000 लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन जब टीवी पर वही चीज आती है तो करोड़ों लोग देखते हैं। है ना। और उसमें एक बात और जुड़ी है जो मैं आपके माध्यम से लोगों के दिमाग में पहुंचाना चाहूंगी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, CSR। और इतनी चैनल्स हैं तो कोई मुफ्त में तो नहीं दिखा रहा है, कमा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पैसे उसमें डाल रहे हैं, तो उनका, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल ठीक। टू गिव समथिंग ऑफ सब्सटेंस कि जिसमें देश का, लोगों का, समाज का, कलाओं का कल्याण हो, क्यों नहीं दिखाते हैं? और ये TRP वाला भूत बिल्कुल गलत है। तो मुझे इसका बहुत आक्रोश भी है, खेद भी है। तो रियलिटी शोज़ जो है, ठीक है, अच्छा है, लोगों को, वो बच्चों को ये मिलता है, लेकिन कुछ पैसा मिलता है, कुछ टीवी टाइम मिल जाता है, स्क्रीन पे आते हैं, माँ बापों को दिखाते हैं, 2.5 मिनट का होता है। मैंने रुमझुम एक शो किया था दूरदर्शन, 54 एपिसोड का, भारत की शान रुमझुम, और उसमें मैंने भारतीय नृत्य के सामने, नॉन भारतीय नृत्य, वेस्टर्न नहीं, नॉन भारतीय, तो उसमें जापानीज में जो 2.5 मिनट में रियलिटी शोज में जीत के आए थे, उनसे हमने 2.5 मिनट के नहीं, 5 मिनट के या 6 मिनट के वो नहीं कर सके। वो नहीं कर सके, वो तपस्या अलग है, वो समझदारी, या वो एक क्या कहें कि एक
अलग चीज़ है वो। तो रियलिटी शोज़ के कितने कलाकार आप मुझे बताइए आगे आए, जबकि आपके जो नृत्य वो एक घंटा दो घंटा चार चार घंटे तक लगातार चलते हैं। वो तो कितनी बड़ी साधना है और कितनी बड़ी तपस्या है लगातार चार घंटे स्टेज पर परफॉर्म करना। भैया वो तपस्या उतनी ऑडियंस की भी होती है। ऑडियंस तो एंजॉय करती है लेकिन आपको मेहनत करनी होती है। सोनल जी, आज की हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की और बड़े नेगेटिव थॉट्स की शिकार है। आपको लगता है नृत्य कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म से जोड़ता है और उस नकारात्मकता को कम करता है? 100%। आपने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सटीक मौके की बात कही है। ये एक तो ये महाभयंकर दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बार बार अपने जो काम करते मेरे बच्चे वगैरह स्टूडेंट्स ये लोग सबको बोलना पड़ता है कि भाई ये कंप्यूटर कब चलेगा। हाँ, एक एक सेकंड में उठाया, चार और दो कितना हुआ। अरे याददाश्त नहीं, याद शक्ति खत्म हो गई है। हम लोग नृत्य में पैर कहाँ जाएगा उस वक्त, हाथ कहाँ जाएगा, हाथ की मुद्रा कौन सी होगी, पैर इधर रहेगा इधर रहेगा इधर रहेगा इधर रहेगा, कौन सा पैर पीछे जाएगा आगे जाएगा, कौन से ताल में जाएगा, मुंह पे एक्सप्रेशन क्या होंगे, ये सारा एक एक सेकंड में। अब आप देखिए कि उसमें सिस्टमैटिक क्रमबद्ध आपका दिमाग तैयार होता है, आपका शरीर तैयार होता है। मैंने यही कहा है जो योग पर्व शुरू किया 2015 में मोदी जी ने, तो मेरा एक घंटे का की नोट था संगीत नाटक एकेडमी में। मैंने लगभग 12 से 15 योग गिनाए और ऑन द टॉप शिखर में नृत्य योग है। तो क्यों शिव को नटराज कहा है, नेता राज, वैद्य राज, गीत राज, कवि राज क्यों नहीं कहा, नटराज क्यों कहा। नृत्य योग में सब आता है, बॉडी माइंड सोल की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो डांसर को कभी डिप्रेशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि आपकी ऊर्जा संतुलित है, आपका दिमाग और ये सब संतुलित है। तो ये आप ठीक कह रहे हो, मैं तो बल्कि एक मैं बोल गई पार्लियामेंट में, मैंने कहा बेसुरा बेताला काम चलता है, कम से कम नृत्य थोड़ा सीखे तो सब सुरताल में चले। बिल्कुल ठीक कहा। आप पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई और ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है आपकी कला को, आपकी संस्कृति को, और ये शायद पिछले 70-72 वर्ष में आप सेकंड एमपी हैं राज्यसभा के, आपसे पहले पंडित रविशंकर बनाए गए थे। तो एक बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा जब आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 7 जुलाई 2018 सुबह हमारा मेरी रिपेटरी के साथ मेरा कार्यक्रम था, स्वच्छ भारत के ऊपर मैं संकल्प से सिद्धि बनाया है। तो मैं आपको बतानी वाली थी कि विषपान, शिव का जो विषपान है वो भी स्वच्छता के लिए है, नेगेटिविटी सारी सृष्टि की हटानी है। हाँ, जब मोदी जी ने अपने 9 रत्न बनाए स्वच्छता अभियान के लिए तो उसमें भी आपको रखा था, है ना। और जैसे कृष्ण और कालिया का युद्ध है, यमुना तो नदी का जो पोल्यूशन उस पर है, उस तरीके से था। और फ़ोन आया, प्रोग्राम शुरू होने वाला था और फ़ोन आया और मैं तो आई कुडन्ट बिलीव इट। अच्छा, पहले से आपको कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? मुझे देखिए, मैं आपको थोड़ा एक मिनट लेती हूँ, इसकी नहीं थी, जब पद्म विभूषण मिला तब नहीं थी। अच्छा। मुझे कहा टिकट टेप चल रही है 25 जनवरी को और आपका नाम आ रहा है पद्म विभूषण में। मेरी एक सियाटल से स्टूडेंट आई थी कनाडा से, उसको मैं वो करवा रही थी रिहर्सल। पद्म भूषण के लिए मुझे वेंकट रामन प्रेसिडेंट ने बुलाया राष्ट्रपति भवन, कहा कि मैंने सुना है तुमको कंट्री ने, देश ने तुमको गौरव नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं, मेरे सारे हैं इतना। बोले पद्म अवार्ड मिला है क्या? हम दो ही बैठे थे राष्ट्रपति भवन। अच्छा। में 1991, जबकि लोग तो लॉबिंग करते हैं जी इन सब अवार्ड्स को लेने के लिए। मेरे से कई छोटी उम्र की ले गई थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इमरजेंसी मैंने अपोज की थी। अच्छा। मैंने बिल्कुल यशपाल कपूर और ये जो सारे 20 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम में करने का बिल्कुल मना किया था। तो मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, मैंने बहुत झेला है। अच्छा। एक ये झेला, यानी इमरजेंसी के दौरान नहीं करने से, जब जब कांग्रेस सरकार रही तो मैं बिल्कुल कटी रही हर चीज़ से। दूसरा,
तो 1992 में फिर उन्हें पद्म भूषण डायरेक्टली दे दिया, पद्मश्री कभी 1993 में विवेकानंद जी का 100 वर्ष शिकागो, तो वाशिंगटन में हो रहा था बड़ा कार्यक्रम, अटल जी मेरे घर आए मुझे कहने के लिए कि मैं चाहता हूँ सुनील जी आप जाएं, हरिप्रसाद चौरसिया जा रहे हैं, अनूप जलोटा जा रहे हैं और शत्रुघ्न जा रहा है, उसको मैं वो एमसी बनेगा, वो भाषण देगा, आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आप जाएंगी क्या? मैंने कहा आप आ रहे कमाल है। हमारे म्यूजिशियंस कतार में 3 दिन खड़े रहे अमेरिकन एम्बेसी के सामने, वीज़ा नहीं दिया अर्जुन सिंह के कहने से, वो एचआरडी मिनिस्टर थे। फिर मैं अकेली अपना वो रिकॉर्डेड म्यूजिक सबमिट के गई, तब से आप मानिए मेरे पे संघी सैफरन होने का धब्बा लगाया, किन्होंने? CPI, CPM, कैफी आजमी, अग्निवेश वगैरह पूरा हजूम था JNU, और मुझे धमकी भरी चिट्ठियाँ, एनोनिमस फ़ोन कॉल्स सब आने लगे। आने के बाद तो तब से वो धब्बा लगा, वो धब्बा तो क्या था मेरे लिए तो गौरव बन गया, लेकिन आप सोचिए कि मैं कह रही थी मैंने क्या क्या झेला है, और उसमें मुझे खुशी है कि मैं अपने रास्ते पे चलती रही, मैं इस देश की हूँ, मैं इस देश की हूँ, आप अपने रास्ते जाइए, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो आपने जो पूछा उसका बहुत लंबा मैंने, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं, किसी को भी नहीं मालूम होगा, हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा। आज की जो पीढ़ी है उसके पास ना समय है ना समर्पण भाव है, जबकि शास्त्रीय नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें साधना चाहिए, जिसमें समय चाहिए, और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ये युवा पीढ़ी इससे कहीं ना कहीं विमुख होती जा रही है। ऐसा नहीं लगता आपको आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं इस संस्कृति को लुप्त होते हुए देखेंगे? आपने युवा वर्ग की बात की थी है ना ब्रेक के पहले, इसीलिए आपने जो मेरे लिए शब्द यूज़ किया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से हम इन कथाओं को पेश करें, प्रस्तुत करें, बताएं, जिसमें कि युवा वर्ग जो बिल्कुल इससे बिछड़ गया है, एक तो कुछ शिक्षा पद्धति की वजह से, आजकल पाठ्य पुस्तकों में कहीं इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, है ना, घर में यूजुअली माता पिताओं को समय नहीं है, और है तो टीवी देखना है या चारों पांचों लोग अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं, है ना, गांव में भी टीवी आ गया है, गांव में भी मोबाइल आ गया है, तो पीपल के नीचे बैठ के चौपल में बातचीत होना, नानी दादियों की कथा होना या भजन कीर्तन होना, सब लगभग प्राय ख़त्म हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी कथाएं इतनी सुंदर हैं, तो जैसे मैं कहूँ कि या ही माधव या ही केशव माँ वद कई तव वादम, जयदेव का गीत गोविंद है बहुत हमारा 12वीं शताब्दी का, और उसमें राधा कृष्ण की बहुत सुंदर, यानी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, ये दुनिया भर में फेमस है, उसमें कृष्ण सही समय पे नहीं पहुँचते हैं, राधा कहती चले जाओ तुम कहीं और किसी के पास से होके आए हो, तुम चले जाओ या ही माधव। अब मैंने कभी कभी मैंने ये बहुत ये सारे अलग अलग प्रयोग किए हैं, तो उसमें मैंने जोड़ दिया बीच में सैया बेईमान मुँह से छल किए जाए, फिर या ही माधव आ गया, तो ऑडियंस बिल्कुल बिजली की तरह कोई बिजली दौड़ गई, लेकिन बॉलीवुड का गाना या फिल्म का गाना है तो ख़राब हो गया ये नहीं है, मैं उसको कहाँ जोड़ती हूँ, किस तरीके से प्रस्तुत करती हूँ वो है। दूसरा कि मैं हमेशा बताती हूँ आज की भाषा में, आज की भाषा क्या है कि यदि मैं कहती हूँ ये बेबी ये तो इतने में तो बच्चे गुरुजी मैम, अरे भाई क्या है, कौन सी बहादुरी करनी है ये करने में है? लेकिन मैंने कहा इसको बंद करो, तो ये क्या होता है सिंहमुख मुद्रा, सिंहमुख मुद्रा, और यूं करो तो गैया है, और यूं करो तो हिरन है, और यूं करो तो सिंह है, लेकिन खोल दो और यो करो तो मैं बिल्कुल मॉडर्न बन गई। तो मेरे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं जुड़ती हूँ, और मेरा कहना यह है कि जो उसका एसेंस है, जो अर्क है, जो तत्व है, वो इतना सुंदर है कि जब आप अच्छे भाव से प्यार से नृत्य में संगीत में बोलने में समझाते हो, तो
तो सारा वर्ग, बूढ़ा, युवक, ये वो सब जुड़ जाते हैं। और ये कलाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों से जुड़ना, यही एक तरीका है। और तरीका दूसरा है जो आप अपना रहे हो कि आप बुला के पूछ रहे हो, कम से कम आपके माध्यम से हजारों लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, आई होप। सोनल जी, आप वास्तव में हमारी कल्चर को और हमारे ट्रेडिशंस को संभाल करके रखे हुए हैं, उन्हें जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक नृत्यांगना के साथ साथ में एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवा के कामों में भी लगे हुए हैं, और वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में आप गए, वहाँ पर भी आपने भारत को रिप्रेजेंट किया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं? एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरा भाषण, संभाषण, कॉन्फ्रेंसेस, मेरी संस्था जो 42 वर्ष ख़त्म करके 43वें वर्ष में आई है। अच्छा। हाँ, और जिसको बनाने के लिए मैंने सारा अपना जीवन दे दिया, मैंने अपना कोई घर नहीं बनाया, वो पैसे झोंक दिए उसमें। मैं अभी भाड़े के घर में ही रहती हूँ जब तक सरकारी बंगला मिले, अभी मिला नहीं है। पूरा जीवन आपने समाज सेवा के लिए या अपनी कला को और समृद्ध बनाने के लिए लगा दिया? और काफ़ी बच्चों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिकली, सोशली, उस तो उनको मैंने काफ़ी बनाया है। बहुत सुंदर। तो इसको मैं, अब आपने पूछ लिया है तो उसका मैं एक ब्यौरा बनाऊंगी कि व्हाट इज सोशल, आई एम ए सोशियो कल्चरल एक्टिविस्ट। एक्जेक्टली, यस, सोशियो कल्चरल। फिर मेरी माताजी का गुरुकुल आदिवासी इलाके में, गुजरात में, डांग रितंभरा 74 में स्थापित हुआ, और वहाँ पे मैंने आदिवासी लड़कियों को अडॉप्ट भी किया, हनुमान जी के मंदिर बनवाया गांव में, गाय गौशाला है, गायें कितनी हमने, यू नो, वॉट एवर आई कुड डू, और मैं उनके बोर्ड पे भी हूँ। तो ये सारी बातें हैं, वहाँ पे 800-850 लड़कियाँ रह के पढ़ती हैं, लॉजिंग बोर्डिंग। बिल्कुल ठीक है। सोनल जी, अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न होकर चुके हैं और लोगों ने मोदी सरकार के प्रति, उनके कामों के लिए और उनके नीतियों के प्रति जोरदार तरीके से समर्थन दिया। आपका क्या कहना है लोगों के इस चुनाव के बारे में? मैंने, ये जो मेरे साथ आए वो साक्षी हैं, मैं कुछ महीनों से कह रही थी कि मुझे 300 से कम नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं वाराणसी भी गई 10 मई को, अपने मित्र हैं वहाँ पे काफ़ी, तो उन लोगों ने कुछ प्राइवेट ग्रुप्स को बुलाया था, प्रेस में भी आया काफ़ी। मैंने कहा हम एक गिलहरी हैं जो श्री राम के सेतु के लिए कंकड़ लाती थी, हम लोग गिलहरी हैं। 300 से ऊपर आया, बहुमत आया। अब जो एक गाड़ी थर्ड गियर में थी, अब फोर्थ गियर में। और आप यदि इजाज़त दें तो मैं, मेरे सामने जो उनका एक चित्र आता है, अभी केदारनाथ की गुफा में जाके बैठे। अब आप बताइए कि कभी किसी ने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद, और जब आपका बहुमत पक्का है, तो व्यक्ति जाके केदारनाथ मंदिर भी जाए और फिर जाके गुफा में 17 घंटा बैठ जाए? आज तक तो नहीं देखा, कभी नहीं। ये देश का सौभाग्य है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने विचारों को कम से कम प्रकट तो कर पा रहा है, वरना तो स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर के कहीं मैं हिंदुत्व का सिंबल ना बन जाऊं और मुसलमान कहीं मेरे से नाराज ना हो जाएं, हिंदू कहने में अपने आप को शर्म जिन लोगों को आती थी, और मोदी जी ने ये सब करके दिखाया। तो मोदी जी का जो एक वो, यू नो, वो सारा वो भगवा ओढ़ के बैठे हुए थे आँख बंद करके, तो जो उनका चित्र बना, तो मुझे कभी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो हिमालय पे उन्होंने कविता लिखी थी जो हम स्कूल में पढ़े थे। हाँ जी। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये मोदी जी के लिए है। हाँ जी। जो एक भव्यता उनमें है, एक सौम्यता है और एक शांतता है, ठहरे हुए। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। बहुत अच्छा चित्रण आपने किया। अब अंत में, कार्यक्रम समापन से पहले, चलते चलते हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे।
आप अपने मन के भावों को भाव भंगिमाओं के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं। देश ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, मोदी जी को दोबारा सरकार चलाने का मौका दिया है। अगर देशवासियों का धन्यवाद करना हो भाव भंगिमाओं के माध्यम से, अब ये स्टूडियो में हम आपको नृत्य करने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कैसे हाव भाव से कैसे धन्यवाद करेंगे लोगों का? आपको कठिनाई में डाल दिया शायद हमने, लेकिन हम जरूर देखना चाहेंगे कि आप कैसे धन्यवाद करेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही सुंदर आपने एक भाव के लिए मुझे उत्साहित किया। देखिए, देशवासी जो हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत पहाड़ हैं, गिरी के श्रृंग हैं, बहुत सारे घने पेड़ हैं, फूल हैं, कमल हैं, भ्रमर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, ये सारा हमारा देश है ना? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। तो ऐसे जो मेरे सारे देशवासी हैं, आप लोगों ने मन से उनको, उस महान व्यक्ति को अर्पित किया अपना मत, एक फूल की तरह, जिसकी वजह से आज सुंदर बन के मेरा भारत फिर उजागर हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवती सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और इतने अच्छा संदेश दिया। आपका धन्यवाद गुप्ता जी। मित्रों, सही मायनों में सोनल जी हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की ध्वजवाहक हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। प्लस माइनस में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।